गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे, मेरे घर पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मेरे घर पे नहीं, मेरे मायके पे बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरे बच्चे लोग, बच्चा पार्टी, एक ने नहा लिया है, एक अभी तक बाकी है। जाओ जल्दी जाओ, फिर हम पूजा चल रही है वहाँ पे जाएंगे, आपको सुनाई दे रही होगी। और एक तो खासियत है मेरे मायके की, पास में ही पूजा होती है। आप कभी भी जाओ आओ और घर पे भी रहो तो मंत्र जो उच्चारण होते हैं पूजा के लिए, वो सब ऐसे ही आपको सुनाई देती है। और वेदर ऐसे अभी तक अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है और बादल भी ज़्यादा नहीं, ऐसे नॉर्मल वेदर है। हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। और मैं आज ये साड़ी पहनी हूँ, कैसी लग रही हूँ बताना, ये ब्रासों की साड़ी आज पहनी। चलो क्योंकि बारिश होने वाली है, तो अभी जब तक बारिश ना शुरू हो तब तक सुबह एक शाम को एक ड्रेस पहन के खत्म करती हूँ। मतलब क्या बोल, बारिश शुरू हो जाएगी तो अफसोस रहेगा ना कि पहनना नहीं सब रह गया। इससे बेहतर है कि जितना हो सके पहन लो पहन लो। फिर तो घर में ही रहना है और क्या। और मैं घर में रहूँगी तब भी पहनूंगी क्योंकि मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो मैं तो कोई अफसोस नहीं करूँगी। बाहर जाना नहीं होगा, वही मुश्किल हो जाएगी। और क्या, चलो तो कुछ रील्स बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पूजा चल रही है मेरी, ये मेरी मोहल्ले की पूजा है। और ये देखो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर बैठना। देखो बहुत सारे लोग आए हैं अभी और पूजा चल रही है। पूजा वाले माहौल में आकर ही बहुत अच्छा लगता है ना। और माँ की मूर्ति तो एकदम मनभावन है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत है। ओ दुर्बाफल समागमत बिल्लभत्व तथापण भवन शख पत्रस्त गृहानल हर प्रिय प्रणादित भरमवारी कुंकुमारी सुशीतल गृहानुभविद देवी। प्रीतम को मैंने बोला नहा धो के आ जाओ पूजा की, यहाँ पे कुछ देर बैठेंगे माँ बेटे। और मेरा जो भतीजा है उसको मैंने बोला, बहुत कोशिश की लेकिन ला नहीं पाई। वो नहा लिया है पहले ही सुबह लेकिन आया नहीं, बहुत कुछ नखरे कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा घूम के आती हूँ, वेदर खराब है, कभी भी बारिश हो सकती है लग रहा है, अब देखते हैं। जिस बात का डर था वही हुआ, देखो जोड़ों की बारिश शुरू हो गई एकदम झमाझम। मैं भी आप लोगों से थोड़ी बातें करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बारिश की आवाज़ और पूजा की आवाज़ जो हो रही है माइक में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए साउंड कम करना पड़ा। और देखो कितनी जोरों की बारिश है, बादल भी काले घने एकदम। हम लोग जो मंदिर है हनुमान मंदिर वहाँ पे है, बैठे हैं मैं और प्रीतम बीच में आ गया। और नहीं आता तो अच्छा होता, अभी जिद कर रहा है कि भीगते हुए घर चला जाऊँगा। और इधर से उधर से हवा के साथ इतनी जोरों की मतलब पानी आ रही है, लग रहा है हम लोग सचमुच ही भीग जाएंगे। और ये तो गुस्सा हो गया मुझसे, क्यों आने को बोला तुमने, क्यों आने को बोला, और ऐसा शुरू हो गया। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बैठती हूँ और बारिश के मज़े लिए जाए। और क्या, हवा चल रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब फीलिंग ऐसे बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि बारिश हो तो मौसम थोड़ा चेंज होता है ना, ठंडा होता है। और इतनी ज़ोरों की बारिश एक साथ होने लगा कि सचमुच मौसम बहुत ही चेंज हो गया, गर्मी से अचानक वेदर एकदम ठंडा ठंडा हो गया। और माँ बैठे बैठे हैं पूजा देख रही, और क्या हुई, मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से कि कैसे आप लोग मेरी बातें सुन पाओगे, बारिश की इतनी आवाज़, पूजा भी चल रही है, माइक भी बज रहा है। तो हम दोनों माँ बेटे अभी बैठे हैं। मेरा भैया आ गया, भैया मेरा भैया आ गया, ये देखिए मेरा भैया सोल्जर है, जवान, आसाम में पोस्टेड है, तो दो तीन महीने बाद घर आता है। और आते ही अपने बच्चे को कितना प्यार करने लगा बोलो, हम मतलब साथ रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता। और जो बाहर रहता है अपने बच्चे को छोड़ के महीनों बाहर रहता है, उसे इतना अपने बच्चे को देखने के बाद प्यार आता है, देखो उसे छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे भतीजे को छोड़ ही नहीं रहा था। और मेरे बच्चे को भी थोड़ा लाड कर लिया।
ऐसे है ना, उनकी ज़िंदगी, हमारे जो सोल्जर है, हमारे देश के जवान हैं, उनकी ज़िंदगी तो ऐसी है, महीनों महीनों अपने फैमिली को छोड़ कर रहना पड़ता है, और मेरी भाभी की खुशी का तो ठिकाना नहीं है। अभी होगा ही कितने दिनों बाद अगर हस्बैंड घर आए, और मेरी माँ भी बहुत बहुत खुश है मेरे भाई के आने से, और मैं तो हूँ ही, भाई ना हो तो मैं आती ही नहीं। मैं मतलब कभी इतनी खुश हूँ मैं, भाई आएगा सुनकर ही मैं कल आई, नहीं तो आती ही नहीं मैं का, ऐसा हमारा बॉन्ड है। और क्या, चलो अभी बारिश तो हो रही है, उसी बीच ही हम खाना बना खाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, है ना। बारिश चल रही है और हम लोग घर पे हैं, और हमारा जो भतीजा है, मेरा भतीजा ने क्या किया, माँ का फोन तोड़ दिया इसने। चलो अभी लंच टाइम है, मेरा भाई तो आ गया, आप लोगों को दिखाया, उसको भी भूख लगी है, असम से बहुत दूर से आया है वो, और मेरा भी लंच टाइम हो चुका है, तो क्या क्या बना है वो पहले देख लो, फिर थाली सजाते हैं हम। चलो, बॉयल किया हुआ भिंडी करेला, और ये रहा पत्ता गोभी की सब्जी, और ये दाल, बिजली नहीं है तो टॉर्च चला के आप लोगों को दिखा रही हूँ, चावल, और क्या है, घुगनी जो सुबह बनाई थी थोड़ी रह गई, और क्या, चटनी बनाई है मेरी भाभी ने, फ्रिज में रख दिया है, मछली, और ये मटन, ये भी बहुत ही अच्छी बनी थी, मटन बहुत 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 अच्छी बनी थी आज सचमुच। तो जी बारिश देखिए अभी भी चल रही है, पता नहीं पूजा हमारा बर्बाद होगा शायद, लग रहा है चारों दिन है, ऐसे पहले ही बोला था न्यूज़ में कि चारों दिन ही बारिश होगी, भीग गया फिर से, बाबू सूखे तो नहीं ऊपर से भीगे हैं, और लग रहा है सच होगी वो, पूजा पूरा बर्बाद होगा, तो क्या करें बोला, अभी लंच कर लेती हूँ, मेरी भाभी परोस रही है, और ये साड़ी उतार के रेस्ट करूँगी, फिर शाम को आप लोगों से मिलूँगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी आप लोगों से मिलने, सज धज के रेडी होकर अभी हम निकलेंगे घूमने, और क्या ये ड्रेस पहनी है आज मैंने, कैसी लग रही हो बताना, और ज़्यादा मेकअप कुछ नहीं, हल्का मेकअप, लिपस्टिक, कान का लेना है, भाभी के पास से लूँगी एक, फिर निकल पड़ेंगे हम, भाभी भी रेडी हो रही है, और दोनों बच्चे रेडी हो चुके हैं, और गर्मी तो है नहीं, बारिश हुई है सारा दिन आज, तो वेदर एकदम कूल कूल, लेकिन आज हल्की पहनी है, कल भारी होगी, सुबह से साड़ी पहनी थी, देखा आप लोगों ने, और देखते हैं, बाहर खाने का इरादा नहीं है, घर में सब कुछ बना के गए, बाहर कुछ कुछ का मतलब गोलगप्पे, दही बड़ा, ये सब, बस मोमो, बस ये सब खाकर हम घर आएंगे ये सोच रहे हैं, तो आप भी चलो मेरे साथ घूमने सीढ़ी में पूजा देखने। तो जी पहुंच गए पूजा देखने, और यहीं पे हम शाम गुजारेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर एक स्कूटी में इधर उधर कितना करें, और ये जो पूजा होती है यहाँ पे, इसको कॉलोनी की पूजा बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी बसता है, तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, हर साल यहाँ पे आते हैं, और बहुत टाइम यहाँ पे रहते हैं, और देखो झूले भी है बहुत सारे, खाने की दुकान भी है, और हम लोग अभी पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे हैं, मेरा भतीजा गया है झूला झूलने, मेरा बेटा तो आते ही झूलने लगा है, इधर उधर बात नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको तो फ्रीडम मिल गई, पापा भी नहीं है कुछ बोलने वाले, और मामा कितना बोलेंगे, ऐसे मामा से डरता है, और मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि गाना बज रहा है जो होता है, और चलो जो मैं करती हूँ हर मेले में जाकर, जैसे ज्वेलरी वगैरह ढूंढती हूँ कम दाम में, कितना अच्छा मिले, कोई अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो मेरे काम पे आता है ना, तो जो काम है मेरा वही करने आई हूँ, यहाँ ऐसे कुछ मिला नहीं, और ये देखो पार्लियामेंट जैसा बनाया है मंडप, बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, देखो मेहनत भी लगी होगी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मंडप है और पंडाल है, और ये देखो
कितनी भीड़, अंदर जाने के लिए मतलब मुझे लड़ाई करनी पड़ी। अब भी बाहर आ गए फोटो शूट के लिए, अभी फोटो शूट की बारी है ना, हम लोग सजते धजते हैं किस लिए, फोटो शूट के लिए। ऐसे तो देखो हर त्यौहार में ऐसे सजना धजना हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा क्या हो गया है कि फेसबुक में डालना है, व्हाट्सएप पे डालना है ना, और मुझे तो यूट्यूब इंस्टाग्राम सभी यहाँ पे रील्स भी कुछ बना लिया मैंने। एंजॉय के साथ साथ काम भी तो ज़रूरी है, और मैंने वीडियो बनाना काम के तौर पे लिया है। शौक़ तो है ही, शौक़ अगर ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका मन ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो शौक़ तो है ही, ऊपर से काम के तौर पे भी मैंने लिया है। हर रोज़ वीडियो डालना ज़रूरी है, और इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो बनाती जा रही हूँ। और ये देखो आए हम क्या खाएंगे यही सोच रहे हैं, और ये लोग कटलेट खा रहे हैं, चिकन कटलेट, मेरी भाभी और भैया, और मैंने एक कटलेट लिया है। मुझे एक कटलेट पसंद है, क्योंकि मेले में आप खाने जाओ तो चिकन नहीं मिलता, चिकन कटलेट में चिकन नहीं मिलता, खाम का पैसा जाता है, लेकिन एक कटलेट में एक तो देना ही पड़ेगा उनको। तो चलो ये इंजॉय करती हूँ और क्या। अभी हम बैठ गए नीचे कुछ बिछा के, लेकिन बातें की है लेकिन नहीं, गाना भी आ गया तो म्यूट करना पड़ा। अभी पापड़ खा रहे हैं, चावल का जो पापड़ होता है, अब आराम से बैठ के जैसे पिकनिक मना रहे हैं। मेरा भतीजा, मेरा बेटा, मैं, भाभी सब बैठ गए, एक चुनरी बिछा के, भाभी की चुनरी बिछा के बैठ गए, कुछ तो नहीं लेकर गए, आ गए जल्दी जल्दी आ गए हम। और वेदर बहुत ही अच्छा है, बारिश होने के बाद एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे वेदर बहुत ही अच्छा है। और मेरे भैया, एक ही स्कूटी है तो भैया पहले भाभी और भतीजे को लेकर आया, फिर मुझे और मेरे बेटे को लेकर आए। चलिए दिखाती हूँ मेरा जो भतीजा है कैसे खाना खाते हैं, एकदम यूनिक, कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। चलिए दिखाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ फिर तो और क्या, अभी चेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर हम सब डिनर करेंगे, घर में ही डिनर करेंगे आज। घर का खाना, बाहर का ऐसे कुछ नहीं खाया ज्यादा, इसलिए क्योंकि घर में खाना बना के गई थी मेरी भाभी। तो फिर आज का दिन खत्म, सप्तमी खत्म, मतलब पूजा का पहला दिन खत्म, बाकी रहे और तीन दिन भी हम एंजॉय करेंगे, भरपूर एंजॉय करेंगे। आज तो फैमिली टाइम था, भाई तो आया ही 12 बजे के बाद, और फिर बारिश, बाप रे, ये बारिश हर जगह हुई है, बांकुड़ा में भी हुई है, मेरी बहन की वहाँ भी हुई है, मतलब पूरे पश्चिम बंगाल में हुई है, कोलकाता में तो हो ही रही है, कल से ही हो रही है। तो बहुत जोरों की बारिश, बाप रे, आप लोग ने देखा पूजा में ऐसी बारिश बहुत सालों बाद देखा हमने, बहुत सालों बाद, मतलब याद ही नहीं आता कब पूजा में इतनी जोरों की बारिश हुई थी। और बारिश होने से ऐसा हुआ, वेदर बहुत अच्छा हो गया है, नहीं तो गर्मी से हम बेहाल हो रहे थे, लग रहा था कि बॉयल हो रहे हैं एकदम, इतनी गर्मी हो गई थी, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे एकदम तो राहत तो हुई बहुत ही, कल देखते हैं क्या होता है, सुबह से धूप निकलती है या क्या होता है, ज़्यादा धूप ना निकले तो ही अच्छा। कल अष्टमी है तो अष्टमी पूजा होगी, सुबह से सब तैयारी करनी है, खाना भी हम घर में खाएंगे, कल अष्टमी है तो बाहर का खाना कुछ नहीं, सब घर में खाएंगे, घर में बनाएंगे, और क्या, और कुछ नहीं, चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसे सोच रहा हूँ। कहाँ बोला तुमने, बोले 120। तो जी ठीक है, चलो आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उन्हें बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सचमुच मुझे बहुत जरूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट।